जहां एक तरफ पाटिल अब ईशान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि यहां पर सभी के सामने एक बहुत बड़ा सच आ चुका है। क्या है वो सच और इसको जानने के बाद क्या करने वाली है सभी, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि सभी को इस बात पर विश्वास हो चुका है कि ज़रूर ईशान ने ही यहाँ पर उस लड़के की पिटाई कराई है, क्योंकि भंवर पाटिल ने जिस तरीके से बातें कही, सभी के पास और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। क्या होने वाला है आगे, चलिए हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अब आपको याद होगा, सभी और हरनीताई एक अनाथ आश्रम में गए थे। उस अनाथ आश्रम में जो आंटी थी, भंवर पाटिल ने साफ साफ कहा था कि उनकी वजह से आज वो इस दुनिया में है, क्योंकि उन्होंने उसका ख्याल रखा। लेकिन यहाँ अब एक सच जो है सभी के सामने आएगा। वो आंटी खुद आकर जो है यहाँ पर बताने वाली है हरनी और सभी को कि पाटिल किस तरीके से एक चालाक आदमी है और उन दोनों को ही उससे दूर रहना चाहिए। तो इस बात का सच जो है अब सामने आने वाला है, क्योंकि वो आंटी खुद आकर जो है बताएंगी पूरा सच यहाँ पर सभी और हरनीताई को। और सभी को अब इस बात का एहसास होगा कि उसने ईशान के बारे में गलत सोचा। ईशान उस तरीके का शख्स ही नहीं है जिस तरीके की बातें जो हैं उसके बारे में वो सोच रही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब यहाँ पर सभी को जब इस बात का एहसास होगा कि वो गलत है, तो क्या वो ईशान से माफ़ी मांगेगी? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।